हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी आज आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है ब्रिटिश गवर्नर जनरल, अंग्रेज गवर्नर जनरल। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक को समझने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि हम लोग हैं देसी और ये हैं विदेशी। अंग्रेज नाम रटने में सबसे ज़्यादा समस्या आती है, आपको ना आती हो बात दूसरी, मुझे बहुत आती है। कैसे कैसे मैंने 100 के करीब 100 के अप्रॉक्स इन अंग्रेज गवर्नर्स के नाम रटे हैं मुझे पता है भैया, आपको पता हो या ना पता हो। सो इसको बड़े ही प्रेम से और सावधानी पूर्वक समझना है। 100 के करीब गवर्नर जनरल हैं, सारे गवर्नर जनरल नहीं याद करना है, इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल याद करना है, उनके टेन्योर, उनके कार्यकाल और उनके टेन्योर कार्यकाल में क्या इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट घटना हुई वो हमें समझना है और वही एग्जाम में पूछा जाता है। क्रम सीक्वेंस भी याद करना है, कौन गवर्नर जनरल के बाद कौन आया। ओके, तो एटलीस्ट इतने पर भी तो पर तो हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ओके, और जो इनमें डिफरेंस है, जो अंतर है, वो अंतर आज की वीडियो में मैं समझा दे रहा हूँ और कल से जो हमारी क्लासेज होंगी उसमें हम लोग पूरे गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4, 5, 6, 7 करके, जब तक कि पूरे अंग्रेज गवर्नर कॉन्फिडेंस के साथ आपको तैयार ना हो जाए। ओके, तो डे वन से ही मेरा वादा है लास्ट तक ये कमिटमेंट बना रहेगा, आपको वीडियो बीच में नहीं छोड़नी है। ओके, कि केवल लाइक करके छोड़ दें, लास्ट तक आपको वीडियो देखनी है और लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाना है। स्टे होम जो सरकार की गाइडलाइन है, वर्क फ्रॉम होम, ये दोनों कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए हमें अपना टारगेट अचीव करना है। जैसे ही लॉकडाउन 4.0, होप सो इसके बाद कोई 5.0 नहीं आएगा, तो जैसे ही लॉकडाउन 4 समाप्त होगा 31 मई के बाद, फिर कोरोना ख़त्म हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और फिर से वही डेली रूटीन आ जाएगा जैसा कि 2 महीने पहले था, है ना? तो बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऐसे समझिए, ये जो अंग्रेज गवर्नर जनरल हैं इनमें 3-4 टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत याद करनी है। एक टर्मिनोलॉजी है बंगाल का गवर्नर, दूसरा बंगाल का गवर्नर जनरल, तीसरा भारत का गवर्नर जनरल, चौथा भारत का वायसराय। हुआ क्लियर? बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय। हुआ क्लियर? क्लियर हो जाएगा दोस्त। मेरा नाम जितेंद्र तिवारी, मेरा लोगो है सरलता जिनकी पहचान, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ओके, जितना सरल तरीके से मैं SST GK GS पढ़ाता हूं। ओके, देखिए ब्रिटिशर्स अंग्रेज इंडिया आए, किस मोटो किस उद्देश्य से आए, तो ये लूटने आए थे, अराइवल ऑफ यूरोपियन, यूरोपियों के आगमन के टॉपिक में मैंने समझा रखा है। बट हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी वो बड़ी डवाडोल हो गई और उसी का फायदा उठाकर इन्होंने क्या किया, रूल करना स्टार्ट कर दिया, पॉलिटिकल इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो अंग्रेजों शुरुआत में, स्टार्टिंग फेज में अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, 3 मेन कार्यालय हुआ करते थे जहां से वो अपने अंपायर, ब्रिटिश अंपायर को रेगुलेट या मॉनिटर करते थे भारत में। एक था आपका बंबई, एक था मद्रास, मद्रास ही चेन्नई है। ओके, तो चेन्नई इज मॉडर्न नेम ऑफ मद्रास एंड मद्रास इज ओल्डेस्ट नेम ऑफ चेन्नई। तो बंबई, मद्रास और बंगाल, ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तीनों प्रेसिडेंसी के अपने सेपरेट अलग गवर्नर हुआ करते थे और बंबई के गवर्नर को बंबई का गवर्नर, मद्रास के गवर्नर को मद्रास का गवर्नर, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। हुआ क्लियर? अब यही बंगाल का गवर्नर ना धीरे 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 इसको पावरफुल कर दिया जाएगा और बंबई, मद्रास के जो गवर्नर थे वो किसके अंडर में हो जाएंगे, बंगाल के गवर्नर के अंडर में काम करने लगेंगे। तो आपने सुना होगा बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुई थी, इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी और अंग्रेज अधिकारी जिसके नेतृत्व में अंग्रेज लड़ते हैं उसकी विजय हुई। नाम था उसका रॉबर्ट क्लाइव या
चार्ल्स क्लाइव नाम सुना होगा, जिस पर करप्शन का केस लगा था, ये एग्जाम में पूछा गया है। किस गवर्नर से संबंधित क्या घटना है वो अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, पार्ट वन, पार्ट फोर, फाइव, ऐसे करके। अभी केवल हमें ये डिफरेंस, अंतर समझना है विद ये जो एक्ट बने इनके साथ, रेगुलेटिंग एक्ट, जो चार्टर एक्ट बने इनके साथ, अधिनियम जो बने। तो याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव, याद रखना, भूलना नहीं, CLIVE। तो जो रॉबर्ट क्लाइव है, जो लॉर्ड क्लाइव है, यही प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करता है, और इस पराजय के बाद इसको क्या किया, बना दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है। इस तरीके से बंगाल के गवर्नर का क्रम याद रखना, भूलना नहीं है। तो पहला गवर्नर बंगाल का कौन बना, प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव बना, और रॉबर्ट क्लाइव से लेकर हमें लॉर्ड माउंटबेटन, या यूं कहें कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तक की कहानी पूरी समझनी है। तो पेशेंस बनाए रखिएगा, गला वाला आपका रुंधने लगे, जाम होने लगे, सूखने लगे, तो पानी पीते जाना, ठंडा गर्म ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो बंगाल के गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर कौन होता है, रॉबर्ट क्लाइव होता है, ओके। और अब क्या हुआ, बंगाल एक एक्ट पास हुआ, ध्यान देना, पहले तीनों गवर्नर हुआ करते थे अलग अलग सेपरेट, लेकिन इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा क्या नियम बना कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर काम करेगी बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी। मतलब यूं है कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। अभी तक क्या पोस्ट था, तीनों का अपना सेपरेट गवर्नर होता था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को प्रमोट करके क्या कहा जाने लगा, कहा जाने लगा, याद रखना है, भूलना नहीं है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक ना। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये भूलना नहीं है, याद रखना है, ये गवर्नर जनरल का जो पद है ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आ गया, और गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे पहले कौन बना, तो उसका नाम है वारेन हेस्टिंग, याद रहेगा ना। तो वारेन हेस्टिंग वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अगर केवल गवर्नर का नाम पूछे बंगाल का, तो रॉबर्ट क्लाइव, इतना हुआ क्लियर। तो डिफरेंस पता चल गया बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल में। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद कब आया, 1773 के एक्ट के द्वारा। और इस एक्ट में क्या हुआ वो लोग, हम लोग अलग से एक टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, उसमें पढ़ेंगे पूरा रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक। अभी वहां ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अभी इसी टॉपिक पर कंसंट्रेशन बनाए रखना है, ठीक ना। तो समझ में आ गया दोनों में अंतर, अब ध्यान से समझिए। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भी, इस पोस्ट को भी रिमूव कर दिया जाएगा, और प्रमोट करके इस पोस्ट की जगह क्या आ जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। जैसे जैसे कंपनी का अंपायर बढ़ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंपायर भारत में, वैसे वैसे भावनाएं समझिएगा, इनके पोस्ट में भी चेंज होता जा रहा है, हुआ क्लियर, पॉइंट शुड बी नोटेड। एक नया एक्ट आया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, 1833 के एक्ट के तहत अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो याद रखना कि पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, वही लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसने राजा राममोहन राय के प्रयास से, सजेशन पर 1829 में सती प्रथा को बैन किया। बहुत लोग गलत बताते हैं कि सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने बैन किया, लेकिन मेरे जैसे जो टीचर होंगे वो पक्का लॉर्ड विलियम बेंटिक को बताएंगे, वही पेपर में आता भी है। तो बहुत अच्छा शख्स था ये, बहुत अच्छा आदमी था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, ठीक ना।
पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का नाम वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल के पहले गवर्नर का नाम रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, अब आपको मैंने पढ़ा रखा है 1857 की क्रांति, तो अब बहुत बड़ा रिवोल्ट, बहुत बड़ा गदर होगा, और उस गदर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बुरिया बिस्तर बांधकर चली जाएगी। ओके, जाना पड़ेगा। और अब भारत आजाद हो जाएगा क्या? नहीं, अब ब्रिटिश कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत को आज़ादी मिली, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत से नहीं। नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड रूलिंग इन इंडिया आफ्टर द एक्ट ऑफ 1858 के एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, पूछा गया प्रश्न है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ रूल करने लगी। पहला वायसराय कौन बना? तो वो बना लॉर्ड कैनिंग, भूलना नहीं है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह अब कौन आ गया? वायसराय, वायसराय पद आ गया। वायसराय पद कब आ गया? तो याद रखना 1858 के एक्ट के साथ ही वायसराय पद आ गया। अब गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाएगा? वायसराय के नाम से जाना जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट करके आप पूछना। कई मैसेज मेरे पास आते हैं कि सर आप ना लाइव क्लास में बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, तो लाइव में तो बढ़िया पढ़ाते ही हैं, मई तक इंतजार करो लॉकडाउन 4.0 का। दावे के साथ कह रहा हूँ कि बस 40,000-50,000 मिनट बाकी हैं वॉच टाइम, ये टाइम अपना पूरा हो जाएगा इसी मई में, और फिर जून से हम लोग फर्स्ट वीक से जून में हम लोग लाइव सेशन लेने लगेंगे, आपके क्वेश्चन हमारे आंसर, फिर मजा आएगा पढ़ने में। और अभी थोड़ा सा कॉपरेट करिए, थोड़ा वीडियो वगैरह देखिए, ताकि वॉच टाइम हमारा फुलफिल हो जाए मई तक। बेसिक रिक्वायरमेंट, सब्सक्राइबर वाली रिक्वायरमेंट तो पूरी हो ही गई है। तो वायसराय पद कब आया? 1858 के अधिनियम के द्वारा, और पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, एक अलग से प्रश्न पूछा जाता है, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक ना, अब आया 1947 का समय, देश की आजादी का समय, और आजादी के दौरान या विभाजन के दौरान, मतलब भारत से पाकिस्तान भी तो अलग होता है, तो याद रखना 1947 में आजादी के दौरान या विभाजन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था, ये पूछा गया प्रश्न है। लॉर्ड माउंटबेटन वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द डिवीजन या ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। आजादी के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। आजाद हो गया भारत, आजादी मिल गई, विभाजन हो गया, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन अपने पद पर बना रहा 1948 तक, 1948 तक। देश की आजादी के साथ ही वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, और फिर से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद आ गया। बहुत लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है, आप जैसे लोग होंगे, हम जैसे लोग जो होंगे, तो याद रखना आजादी के साथ लॉर्ड माउंटबेटन बने रहे हमारे यहाँ, लेकिन वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद फिर से रिपीट करता है 48 तक, और 48 के बाद 50 तक, 50 तक ये पद बना रहा, लेकिन अब भारतीय शख्स को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, उनका नाम था सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये पूछा गया प्रश्न है, गोपालाचारी। तो अगर पूछा जाए भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का पहला या भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन नहीं, सी राजगोपालाचारी होंगे। और 1950 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, फिर इस पद को डिजॉल्व कर दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, और प्रेसिडेंट इस पद को रिप्लेस कर देगा। अब इनकी जगह राष्ट्रपति आ जाएंगे, ओके, राजेंद्र प्रसाद, और यही कैरी ऑन है अभी तक। तो हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? ये बहुत कन्फ्यूज करता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो याद रखना यार, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। अगर उसमें अंग्रेज मेंशन कर देगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, और भारतीय मेंशन कर देगा तो राजगोपालाचारी। नहीं हुआ क्लियर? आजादी के दौरान या विभाजन के दौरान तब लॉर्ड माउंटबेटन ही रहेंगे,
तो क्लियर हुआ कि नहीं? तीन इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जिनको याद रखना है। 1773 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ, तो बंगाल के गवर्नर की जगह बंगाल का गवर्नर जनरल आ गया। फिर 1833 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ, तो बंगाल के गवर्नर जनरल की जगह भारत का गवर्नर जनरल पद आ गया। और 1858 की जगह क्या हुआ, तो याद रखना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह वायसराय पद आ गया। ओके, और आज़ादी के साथ ही 1947 के साथ ही वायसराय का पद फिर से समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल पद बना रहा। ओके, और गवर्नर जनरल के पद पर कोई भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज को ही कंटिन्यू किया गया, कोई दबाव पर नहीं बल्कि स्वेच्छा से। इनका बहुत बढ़िया संबंध था लॉर्ड माउंटबेटन का भारत के से या कांग्रेस से, इनफैक्ट कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप जानते होंगे इनकी वाइफ थी लॉर्ड माउंटबेटन की, लुईस माउंटबेटन, जिनका पंडित जी से बहुत ज़्यादा संबंध रहा, लोग जानते हैं। ओके, पंडित जी जब भी जाते थे कोर्ट में फूल लगाए रहते थे, फूल लेकर जाते थे मिलने। ये कॉन्सेप्ट याद करना है, पंडित जी वाला, लुईस माउंटबेटन वाला नहीं, ये तो पर्दे के पीछे हुआ, जो पर्दे के सामने हुआ वो याद रखना है। ओके, तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और इसी एक्ट के द्वारा 1858 के एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करने लगी। हाँ, और लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था, और अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन थे विभाजन या आज़ादी के दौरान। 47 में वायसराय के पद की जगह फिर से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद आ गया, और 48 तक लॉर्ड माउंटबेटन अपने पद पर रहे, फिर इनकी जगह श्री राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आ गए। 50 में ये पद को परमानेंटली डिजोल्व समाप्त कर दिया गया और इनकी जगह प्रेसिडेंट आ गए। हुआ क्लियर? तो आशा करता हूँ ये जो बंगाल के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, ये जो कॉन्सेप्ट थे, ये जो टर्मिनोलॉजीज थी, इन पर आपका कमांड हो गया होगा। याद रखना एक बात, एकदम नोट कर लेना, बांध लेना, गांठ कर लेना, हमारे यहाँ उदी भाषा में कहा जाता है गांठ कर लेना, कि बहुत मज़ेदार है इतिहास, और इतिहास बोरिंग है ही नहीं है अगर मज़ेदार आदमी पढ़ाए मेरे जैसा, ये मैं ताल ठोंक के दावा करता हूँ। आज से आपका कमांड SST GK GS पर होने जा रहा है, जैसा कि दूसरे विषयों में है। माना कि हम लोग हाई स्कूल तक मोस्टली ये SST पढ़ते हैं, रट रुट के काम चलाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, प्रेम से समझना होगा, और वही कमांड होगा जो दूसरे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर आपका कमांड होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो अंग्रेज गवर्नर वाला, तो इसको वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए। नए हैं, पुराने होंगे तो जानते होंगे आप, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त यार में शेयर करिए। कल हम लोग क्रम से स्टार्ट करेंगे रॉबर्ट क्लाइव से, हाँ, पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, और पार्ट 4-5 तक हम लोग ये पूरा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कवर कर लेंगे। पूरे 100 नहीं याद करना, इम्पोर्टेंट याद करना है ना। जय हिंद, जय भारत।